बच्चों वन मॉर्निंग, आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 21 जो हमारा टाइटल था मम परिवार, उसका जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शुद्धम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत, उचित उत्तर सुनकर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, परिवार डॉट सदस्य संत, यानी परिवार में सदस्य हैं, तो कितने सदस्य थे परिवार में, 7, तो उसके लिए क्या हो जाएगा शब्द। उसके बाद सेकेंड नंबर पर सर्वे .. बसंती, सर्वे कहाँ रहे कैसे रहते थे, सभी लोग आपस में क्या कैसे रहते थे, प्यार से मिलजुल कर। बाकी क्वेश्चन हम सभी चैप्टर्स की तरफ फिर कॉपी से देखेंगे। तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें था स्नेहन से यानी प्यार से रहते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मम नाम की मस्ती, क्या है मेरा नाम आलोक है। उसका था हमारा अगला क्वेश्चन है, शीला .. कक्षायाम पढ़ती, शीला किस कक्षा में पढ़ती है, तो किस कक्षा में पढ़ती थी, तृतीयायाम यानी तृतीय कक्षा में, तीसरी कक्षा में। उसके बाद है वयम अवकाशेषु .. अपि गच्छामः, हम लोग जो है छुट्टियों में कहाँ जाते हैं, घूमने के लिए। उसके बाद है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एक पद है उत्तरत, एक पद में जवाब दें, तृतीयायाम कक्षायाम का पठति, तो तीसरी कक्षा में कौन पढ़ती है, तो क्या है शीला। पितामहे प्रतिदिनम कुत्र गच्छति, दादी जो है प्रत्येक दिन कहाँ जाती है, तो कहाँ जाती है देवालय मंदिर जाती है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन के जनक कस्य पदे कार्यरत अस्ति, पिताजी जो है किस पद पे कार्यरत थे, यानी किसके पद पे, किस चीज़ के पद पोस्ट पर थे, तो क्या थे लिपिक पदे। उसके बाद है सर्वेषां प्रिया का अस्ति, सभी लोगों के बीच सबसे प्रिय कौन थी, तो कौन थी शीला। उसके बाद है मंदम मंदम का हंसती अनुज, धीरे धीरे कौन हंसता है, तो अनुजा छोटा भाई। अब कहता है क्या, रेखांकित पदानी आधृत प्रश्न निर्माणम कुरु, जो नीचे जो वर्ड है रेखा लाइन जो खींची हुई है उसके अनुसार आपको क्वेश्चन वर्ड बताना है, यानी प्रश्न निर्माण करना है। तो कहता है क्या, माता भोजनम पचती, माँ जो है क्या करती है खाना पकाती है, तो इसको अगर हम क्वेश्चन के तौर पर करेंगे तो क्या होगा, माता क्या पकाती है, तो क्या आ जाएगा किम यानी क्या। कहता है ऐसा मम परिवार अस्ति, यह मेरा परिवार है, तो यह किसका परिवार है, तो इसके तो जाएगा कस्य। वयम अवकाशेषु भ्रमणाय गच्छामः, हम लोग छुट्टियों में घूमने जाते हैं, तो वयम कदा यानी कब जाते हैं। उसका कहता है परिवार शब्द सदस्य संति, परिवार में 7 सदस्य हैं, तो परिवार में कितने सदस्य हैं, तो सप्त के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कति यानी कितने। मम परिवार शोभनो परिवार अस्ति, मेरे परिवार अच्छा परिवार है, तो क्या हो जाएगा कीदृश, यानी मेरा परिवार कैसा परिवार है। उसका था उचित मेलनम कुरुत, माता मतलब गृहिणी, परिवार शोभन, जनका लिपिका है, पिताजी काम करते थे लिपिक के पोस्ट पे, भोजनम सुस्वादा, सदस्य सप्त, शीला अनुजा। अब कहता है क्या, निम्न पदानाम हिंदी भाषायाम अर्थ लिखत, निम्न पदों का हिंदी भाषा में अर्थ लिखें, शोभन माने सुंदर, पचति मतलब पकाना, सुस्वाद मतलब स्वादिष्ट या अच्छा स्वाद, भ्रमणाय मतलब घूमने के लिए, अस्मभ्यम मतलब हम लोगों के लिए। अब है एक्टिविटीज़, निम्न वर्ग पहेली से परिवार से संबंधित शब्द दिए गए उन्हें ढूंढ कर लिखिए, ये वर्ग पहेली आपके बुक में है, मैं दिखाती हूँ आप एक बार देख लीजिए, उसी से चुन करके इसका आंसर लिखा गया है। देखिए ये आपका वर्ग पहेली है बेटा, यानी ये इसी से आपको चुन करके लिखना, मैंने पेंसिल से इसमें गोला गोला किया है, यानी ये सब वर्ड है जो फैमिली से रिलेटेड है, उसी को फिर मैंने यहाँ पर आंसर के रूप में लिखा है। देख लीजिए क्या सब है, जनक भारिया, पितामह, अग्रज, पृथ्वी, मातुल, अनुजा,
माता, ये सब के सब फैमिली से रिलेटेड शब्द है, परिवार से संबंधित शब्द है। तो क्या हो जाएगा, इसमें बहुत सारा चीज होता है, इसमें से अगर आपको कुछ और मिलता है तो आप उसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर, और मैं आपको बुक भी दिखा देती हूँ, एक बार आप बुक को भी देख लीजिए। देखिए सेल्फ असेसमेंट भी हुआ करता है, इसे आपको खुद से करना होता है, ठीक है। ये हो गया, और देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर। ये जो शब्द कोश है डिक्शनरी, इसे आप लोग एक बार याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये है आपका चैप्टर्स, और इस तरीके से आपका हाफ ईयरली के लिए जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग अब क्या करेंगे, अपने अपना कॉपी को तैयार करेंगे और याद करेंगे, अपने सिलेबस को शुरू से अभी तक जितना पढ़ाया गया है सारे कंसेप्ट को कीजिएगा। अगर आपको जो डाउट होगा, फिर आपका जो ऑनलाइन क्लास लगेगा 25 को, तो आप उसमें अपने डॉट्स को रखिएगा। अभी तक जहाँ से पढ़ाई हो गई है या तो शुरू से लेकर के भी, आपको जहाँ जो दिक्कत है वो आप क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल, गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू।